हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रेखा यादव, योर साइंस टीचर। टुडे वी विल स्टार्ट लेसन सेकंड ऑफ साइंस, माइक्रोनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। चैप्टर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। We can see most of the living organisms with the naked eye. However, there are a large number of other organisms which are so small that it is not possible to see them with the naked eye. They can हमारे चारों साइड बहुत छोटे छोटे जो है जीव रहते हैं, जिनको कि काफ़ी संख्या के अंदर जीव रहते हैं, जिनको कि हम खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये जो लार्ज नंबर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, काफ़ी संख्या के अंदर जो जीव होते हैं, इनको इतने छोटे होते हैं कि इनको देखना पॉसिबल नहीं होता है खुली आँखों से। तो इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप की हेल्प लेते हैं। We observed only with the help of a microscope. The living organisms which cannot be seen with the naked eye and can only be observed through a microscope are called microorganisms or microbes. तो वे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको कि हम खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की आवश्यकता होती है। वह माइक्रोनिजम्स या फिर माइक्रोब्स कहलाते हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स मे बी यूनिसेल्यूलर, सिंगल सेल्ड और मल्टीसेल्यूलर, मेनी सेल। माइक्रोनिजम्स जो होते हैं यूनिसेल्यूलर, सिंगल सेल्ड या फिर मल्टीसेल्यूलर होते हैं। द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब माइक्रोऑर्गेनिजम्स वाज अ डच साइंटिस्ट, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। In 1674 he observed living cells for the first time with the help of his microscope. सबसे पहले जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने कि माइक्रोनिजम्स का डिस्क्राइब वर्णन किया था, डच साइंटिस्ट एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक था। इन 1674 के अंदर उसने ऑब्जर्व किया सबसे पहले फर्स्ट टाइम हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से उसने इन माइक्रोनिजम्स का जो ऑब्जर्व किया था। Science which deals with the study of microorganisms is called microbiology. The scientists who study microorganisms are called microbiologists. Where do microorganisms live? Microorganisms are present everywhere. Next point is where do microorganisms live? Microorganisms कहाँ रहते हैं? तो microorganisms are present everywhere कि ये हर जगह पर पाए जाते हैं। Live alone while others grow in groups called colonies. They are found in every kind of environment. They are found in air, soil and in water bodies like seas, lakes and ponds. They are microorganisms जब अदर ग्रुप्स के अंदर रहते हैं तो इनको कॉलोनीज कहते हैं। ये हर तरह के एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, हर प्रकार के वातावरण में, पर्यावरण में पाए जाते हैं। ये एयर में, सोइल में, वाटर बॉडीज लाइक सीज, लेक्स एंड पॉन्ड्स में पाए जाते हैं। Also found in dead and decaying organisms and even inside our bodies. They can exist in extreme conditions of temperature like droughts, in hot water springs, in deserts, polar regions and marshy lands. They survive in extreme environmental conditions by forming a hard outer covering called cyst. Activity 1. To show that water has a large number of microorganisms. Things needed. A beaker. Pond water. Glass slide, glass cover, microscope, dropper. तो इनका पता करने के लिए हम एक्टिविटी करते हैं जिनके अंदर हमें कुछ थिंग्स की नीडेड होती हैं, जो कि यहाँ पर बताई गई है। मेथड, वी टेक सम वाटर इन अ बीकर फ्रॉम अ पॉन्ड और स्टैग्नेंट पूल, फिल्टर इट थ्रू अ पीस ऑफ फाइन क्लॉथ। We find some soil and a large number of small organisms such as insect, larvae, etc. sticking to the cloth. इसके बाद हमें एक बीकर लेते हैं। बीकर के ऊपर हम एक कपड़ा रख देते हैं, उसके अंदर पॉन्ड्स का कुछ पानी है वो डालते हैं। इसके बाद हम क्लोज पे देखते हैं कि हम उसके ऊपर कुछ सैंड रेत दिखाई देती है, छोटे छोटे इंसेक्ट ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं। The filtered water collected after passing through the fine cloth is called filtrate. इस पानी को छानने के बाद इस पानी को हम एक बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं। Filtrate looks fairly clean. We put a drop of filtrate on a glass slide. इस वाटर को
हमें ग्लास स्लाइड के ऊपर ड्रॉपर की हेल्प से इसके अंदर ग्लास स्लाइडर पे बूंद डालते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एंड ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप. इसके बाद हम इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं. Observation. We observe a large number of minute organisms moving or floating in the water film. इसके बाद हम देखते हैं कि छोटे-छोटे काफी से क्या कहते हैं छोटे-छोटे ऑर्गेनिज्म जो है वहां पर हमें माइक्रोस्कोप्स में से दिखाई देते हैं. Conclusion. The moving or floating minute organisms seen in water are microorganisms. These organisms cannot be seen with our naked eyes. Water contains a large number of microorganisms. Major groups of तो इसका कंक्लूजन निकलता है कि पॉन्ड का जो वाटर था उसमें लार्ज नंबर में हमें छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स है वो दिखाई देते हैं जिनको कि हम खुली हुई आंखों से नहीं देख पाते हैं. Microorganisms. Microorganisms are found in following five major groups. Bacteria, singular bacterium. Viruses, singular virus. Algae, singular alga. Fungi, singular fungus. And protozoa. Major groups of microorganisms. Microorganisms को हम पांच पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि इनके नेम बताए गए बैक्टीरिया वायरस एल्गा फंगी एंड प्रोटोजोआ. सिंगुलर प्रोटोजोन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल एंड द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दे कैन वेरी इन साइज फ्रॉम 0.2 टू 100 माइक्रोन्स. बैक्टीरिया जो है एक वेरी स्मॉल और सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिसकी की लेंथ जो होती है 0.2 टू 100 माइक्रोकॉम्स होती है. 1 micron is equal to 1 upon 1000 mm. They are single-celled organisms found almost everywhere. Bacteria are found in four different shapes. Bacilli. Bacteria jo hai char shapes mein paya jata hai. Rod-shaped bacteria, for example, Escherichia coli, cocci. Spherical bacteria, for example, Streptococcus pneumoniae. Vibrio, comma-shaped bacteria, for example, Vibrio cholerae, Spirilla, spiral-shaped bacteria, for example, Treponema pallidum. ये इसके चार टाइप है जैसे कि यहाँ पे बताया गया है. बैसिलिया इसका जो एग्जाम्पल है. इसेरिया कोकी स्पेक्ट्रोसियस वाइब्रोया वाइब्रोई कैलोरा स्पिरिला. Bacteria which need oxygen for growth are called aerobic bacteria. The bacteria which survive without oxygen are called anaerobic bacteria. Bacteria जिनको कि oxygen की आवश्यकता होती है उनको growth के लिए वो aerobic bacteria होते हैं. इसके अलावा जो bacteria without oxygen के रह सकते हैं वो anaerobic bacteria होते हैं. The mode of nutrition in bacteria may be autotrophic or heterotrophic, saprophytic or parasitic. Bacteria generally reproduce by binary fission. बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटो एंटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक टाइप्स के होते हैं. वायरसेस. द वर्ड वायरस मींस पॉइजनस लिक्विड. वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट आता है वायरस. वायरस जो वर्ड है उसका मींस होता है पॉइजनस लिक्विड. वायरस जो है स्मॉलेस्ट माइक्रोऑर्गेनिजम्स होता है जिसका की साइज Size ranges from 20 to 300 mu. They can only be studied under an electron microscope. They contain a small nuclear material wrapped in a protein coat. Viruses cannot grow and reproduce on their own. This indicates that they are non-living. When they enter a living cell, virus जो है वो grow और reproduction खुद से नहीं कर सकते. इनके लिए जो है उन्हें किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता होती है. तो ये इंडिकेट करते हैं कि दे आर नॉन लिविंग. दे यूज द एनर्जी ऑफ द लिविंग सेल टू रिप्रोड्यूस. आफ्टर रिप्रोडक्शन ऑफ मेनी वायरसेस द होस्ट सेल डाइज एंड बर्स्ट्स. द वायरसेस स्प्रेड एंड इनवेड द अदर सेल्स. वायरसेस आर कंसीडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. सम एग्जांपल्स ऑफ वायरसेस आर वैक्सीनिया वायरस, HIV-1, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड पोलियो वायरस. वायरस होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए लिंक करने के लिए लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स दोनों की जरूरत होती है. इसके कुछ एग्जांपल है वायरस के जैसे वैक्सीन वायरस, HIV वायरस, पोलियो वायरस एक्सेट्रा.
Algae. Algae is a group of simple plants. Algae in Latin means seaweeds. They vary in size, shape and habitat. Some are unicellular. For example, Thermodomonas and microscopic, while others are multicellular, for example, Volvox, and can be few meters long. They have no stem, roots and leaves like other plants. नेक्स्ट है एल्गिया. एल्गिया जो है एक सिंपल प्लांट्स का ग्रुप होता है. एल्गिया का लेटिन में मीन्स होता है सीवीड्स. ये वेरी इन साइज, शेप एंड हैबिचुअल. सम अनसेलुलर एंड माइक्रोब्स मल्टी सेलुलर होते हैं. कैन बी फ्यू मीटर्स लॉन्ग, जो कि कुछ मीटर लंबे होते हैं. बट दे हैव क्लोरोफिल एंड दे कैन मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. सम एग्जांपल्स ऑफ एल्गी आर क्लैमिडियोमोनस, सीवीड्स, स्पायरोगायरा एंड वॉल्वॉक्स. एल्गा जो होते हैं उनके ना तो कोई स्टेम होता है, ना रूट्स होती है, ना लीव्स होते हैं, लेकिन ये प्लांट्स के जैसे ही होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफाइल पाया जाता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना जो है फूड प्रिपेयर करते हैं. इनके कुछ सब एग्जांपल है क्लेमिनोडियस, सीवीड्स एक्सेट्रा. फंगाई. फंगाई इज अ ग्रुप ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट लैक क्लोरोफिल. दे जनरली ग्रो इन डार्क, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस. मोस्ट फंगाई आर सैप्रोफाइट्स. Feed on dead things, while some are parasites, live on other living organisms. Fungi are unicellular like yeast or multicellular like mushroom organisms. Some examples. Fungi जो है एक organisms का groups होता है जिनके अंदर की chlorophyll जो है वो विद्यमान नहीं रहता है. ये जो है generally grow होते हैं dark, warm and moist conditions में grow होते हैं. So fungi are yeast, mold or mucor, mushroom and penicillium. Protozoa. Protozoan means the first animal. Protozoa are unicellular microorganisms. Protozoa, next हमारा protozoa. Protozoa का means होता है first animal. Protozoa जो है ununicellular microorganisms होता है. They are included in a separate kingdom, Protista. They are found in ponds, lakes, rivers, sea and damp soil. ये जो है पॉन्ड्स, लैक, रिवर, सी और डम्प सोइल में पाए जाते हैं. या ईदर सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक. यूग्लेना इज एन एक्सेप्शन. इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड. सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ आर अमीबा, पैरामिसियम, यूग्लेना, ट्राइपैनोसोम. माइक्रोऑर्गेनिजम्स. माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस इन यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स. माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे लिए कैसे यूज होते हैं. The following ways: making of food items. Bacteria help us in making certain food items like curd, cheese, bread, and pastries. First point आता है making of food items. तो microorganisms जो होते हैं हमें कुछ food items बनाने में help करते हैं, जैसे कि lactobacillus bacteria जो होता है वो curd बनाने में help जो help होती करता है. Of meat. Yeast cells are used in the baking industries for making breads, pastries and cakes. For baking bread, yeast along with a little sugar is mixed with flour to make dough. The dough is kept in a warm place. The yeast uses sugar present in the dough as food. During the breakdown of sugar, carbon dioxide and alcohol are formed. This process is called fermentation. The dough rises due to carbon dioxide. When the dough is used to make bread and is baked, carbon dioxide escapes from the loaf, making it light and fluffy. Yeast are also used in day-to-day household food items like idli, dokla, and dosa too. For making idli, yeast जो bacteria होता है वो हमारे industry के अंदर item foods बनाने में help करता है, जैसे कि bread, pastries and cakes. इसके अलावा फॉर बेकिंग ब्रेड यीस्ट अलोंग विद ए लिटिल शुगर मिक्स्ड विद, इसके लिए क्या करना पड़ता है बेटा कि जो फ्लोर होता है, आटा होता है, उसके अंदर कुछ शुगर के साथ हम यीस्ट को डालकर उसको गूंथ देते हैं. उसको कुछ समय के लिए जो है रख देते हैं वार्म प्लेस पे. कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं कि यूजेज ऑफ शुगर प्रजेंट, शुगर के प्रजेंट के अंदर जो हमारा फूड होता है वो डफ, यानी कि एक तरह से फूल जाता है, फूल कर मोटा हो जाता है, जिससे कि इसके अंदर शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल जो है वो फॉर्म होते हैं. एंड डोसा, द मिक्सचर ऑफ ग्राउंड राइस एंड दाल इज फर्स्ट अलाउड टू स्टैंड फॉर अ फ्यू आवर्स.
This mixture rises and becomes sour due to the growth of yeast cells. Some algae like chlorella and seaweeds are used as food. They are a rich source of proteins and minerals. Agar agar, a jelly-like substance obtained from red algae, jelly. कुछ एल्गा लाइक्स क्लोरेला एंड सीवीड्स जो है हमारे फूड के में काम आते हैं यूज आते हैं ये प्रोटीन के जो सोर्स होते हैं टियम एंड क्रसिलेरिया इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वेरियस फूड आइटम्स लाइक आइसक्रीम्स जेलीज एंड पुडिंग्स कमर्शियल यूज यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल बियर इसके अलावा हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका कुछ कमर्शियल यूजेस भी होता है वाइन एंड एसिटिक एसिड फॉर दिस पर्पस Yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice and fruit juices. The process of conversion of sugar into alcohol by the action of microbes like yeast is called fermentation. Louis Pasteur discovered the process of fermentation in 1857. Some bacteria are used in the production of tea, coffee and tobacco. Some bacteria take part in the production of certain acids like lactic acid, citric acid and acetic acid, vinegar. Production of antibiotics. Whenever we fall ill, the doctor may give us. Commercial uses में आता है कि हम जो हमारी sugar होती है उसको alcohol के द्वारा हम जो है micro के action क्रिया के द्वारा like yeast के द्वारा जो हम alcohol में convert कर देते हैं जो process होती है permissions कहलाती है Louis Pasteur ने सबसे पहले 1857 के अंदर इसकी जो खोज की थी कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे टी कॉफी और टैबैको के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं कुछ हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे एसिड लाइक लैक्टिक एसिड सिट्रिक एसिड एंड एसिडिक एसिड जो उनके प्रोडक्शंस के अंदर हेल्प करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मेडिकल यूज सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स कैप्सूल्स और इंजेक्शंस व्हाट आर एंटीबायोटिक्स And how are they produced? The medicines produced by living organisms such as bacteria and fungi, etc., which kill or stop the growth of the disease-causing microorganisms present in our body, are called antibiotics. Production of antibiotics. तो जो medicine produced होते हैं जिनके द्वारा लेकिन कुछ living organisms होते हैं जिनके द्वारा कि medicine product बनाए जाते हैं जो जैसे कि bacteria और fungi. ये क्या करते हैं हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां होती है जिनकी वजह से जिन माइक्रोनिजम्स की वजह से बीमार डिजीज होती हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं रोक देते हैं तो यह जो प्रोसेस होती है हमारी बॉडी की एंटीबायोटिक कहलाती है द सोर्स ऑफ दीज एंटीबायोटिक मेडिसिंस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दीस डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन And erythromycin are some of the commonly known antibiotics, which are made from fungi and bacteria. Antibiotics. These days, इन दिनों के अंदर काफी संख्या के अंदर कुछ ऐसे antibiotics बनाए गए हैं bacteria और fungi के मदद से. Are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infections in animals. Antibiotics are also used to control many plant diseases. इसके अलावा microorganisms जो है कुछ antibiotic बनाते हैं जिनको जिनसे कि जो plants की जो disease होते बीमारियां उन पे भी control होता है. Precautions to be taken while using antibiotics. Antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. हमें एंटीबायोटिक लेने से पहले कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है जैसे कि एंटीबायोटिक लेने से पहले हमें क्वालिफाइड डॉक्टर से एडवाइस लेनी जरूरी होती है वी मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर दिस कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर बॉडी वी मे फॉल इल अगेन इफ वी डू नॉट कंप्लीट द कोर्स वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड In wrong doses. हमें एंटीबायोटिक उस सिचुएशन नहीं लेना चाहिए जब हमें इसकी आवश्यकता नहीं हो और हमें इसकी रॉन्ग डोज भी नहीं लेनी चाहिए इट मे मेक द एंटीबायोटिक ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन वी माइट रियली नीड इट इन फ्यूचर एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी
Antibiotics should not be taken when we are suffering from cold and flu caused by viruses. एंटीबायोटिक जो है हमें जब हम कोल्ड या फ्लू अगर हमें बीमारी हो तो उस सिचुएशन में नहीं लेनी चाहिए. दिस इज बिकॉज एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस. प्रोडक्शन ऑफ वैक्सींस. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सींस. Vaccines protect humans and other animals against several diseases by providing immunity against the concerned disease. Next point is production of vaccines. So, microorganisms जो होते हैं वो vaccine के productions में भी मदद use किए जाते हैं जो कि human और जो other animals होते हैं उनको protect करते हैं against किसके several diseases होते हैं विभिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ होती हैं उनसे हमें protect करते हैं और हमें immunity provide करते हैं. The ability of one's body to resist a disease is known as immunity. एक किसी भी वंश किसी भी शरीर किसी भी व्यक्ति के किसी भी हम कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की जो एबिलिटी होती है जो कि बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो इम्यूनिटी होती है. Immunity against a particular disease can be developed by a technique called vaccination. Dead and weakened microbes of a particular disease are introduced in a healthy body. When a vaccine is introduced in the body of a healthy person, it acts like an antigen, any substance that elicits an immune response. The body of the person produces antibodies, proteins produced in body in response to entry of antigens to render them harmless against these introduced microbes. These antibodies remain in the body, protect him or her against future infections of the same microbe. इसके अंदर क्या होता है वैक्सीन्स के अंदर क्या होता है एक स्मॉल डोज होती है जो कि डेड या वीकेंड जो डिसेज कैजिंग होते हैं बीमारियों के जो कारण जिन जीवाणु कीटाणुओं से या बैक्टीरिया से होती है उनके मरे हुए या कुछ कम मात्रा के अंदर जो माइक्रोवेव्स होते हैं उनको हमारे वैक्सीन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है जिससे कि हमारे शरीर की जो रोगों से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो एक तरह से अलर्ट हो जाती है और वो अपना काम स्टार्ट कर देती है तो जो ये क्षमता स्टार्ट होती है इन फ्यूचर के अंदर हमारे काम आती है. डिजीजेस इंक्लूडिंग कॉलेरा ट्यूबरकुलोसिस स्मॉल पॉक्स टेटनस पोलियो हेपेटाइटिस बी कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन. अ वैक्सीन कैन बी ईदर इंजेक्टेड और गिवन ओरली. कुछ वैक्सीन्स के एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स टेलेनिसिस पोलियो हेपेटाइटिस बी. ठीक है तो ये जो वैक्सीन्स होते हैं ये इंजेक्शंस के थ्रू या ओरली भी दिए जाते हैं. इन आवर चाइल्डहुड वी आर गिवन इंजेक्शंस और वैक्सीन ड्रॉप्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस. अ पर्टिकुलर वैक्सीन इज गिवन एट अ पर्टिकुलर एज. दिस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. एक पार्टिकुलर वैक्सीन से हमें एक पार्टिकुलर एज के अंदर दी जाती है कि भाई ये वैक्सीन जो हमें इस टाइम में इस एज ग्रुप के में ही दी जानी चाहिए तो ये अपना इफेक्ट करती है. यह क्या कहलाती है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कहलाती है. टेबल 2.1 शोस द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉलोड इन इंडिया. इम्यूनाइजेशन शेड्यूल सीरियल नंबर. तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि किस एज के अंदर कौन सी वैक्सीन दी जाती है. ये एक टेबल दिखाई गई इसको आपको अच्छे से रीड करना. नंबर एज वैक्सीनेशन 0 मंथ स्मॉल पॉक्स बीसीजी फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस 2 3 to 12 months DPT for protection against diphtheria, pertussis, whooping cough and tetanus, polio oral BCG 3 9 to 15 months measles, smallpox, revaccination 4 18 to 24 months DPT booster dose, polio oral booster dose if the same antigen is introduced again it is known as booster dose 5 5 to 6 years smallpox revaccination 6 5 to 6 years DT for protection against diphtheria and tetanus booster dose typhoid vaccine. Bacteria are also used for making vitamin B complex tablets. Increasing soil fertility. In the previous chapter we have learnt about rhizobium bacteria. Iske alawa jo bacteria hote hain वो हमारी जो लैंड की फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासों में राइजोबियम के बारे में रीड किया था. दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स.
राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम जो होता है हमारे प्लांट्स की रूट्स के अंदर घुलनशील अवस्था में जो फलीदार फसलें होती हैं उनमें पाया जाता है। बैक्टीरिया अब्सॉर्ब नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स कॉल्ड नाइट्रेट्स। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है नाइट्रोजन गैस को हमारे एटमॉस्फेयर में से कन्वर्ट कर देता है सिंपल न्यूट्रिएंट्स यानी कि घुलनशील रूप में कन्वर्ट करके और हमारे प्लांट्स को में यानी कि मिट्टी में लैंड्स में मिला देता है जो कि हमारे प्लांट्स उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं तो ये नाइट्रेट कहलाते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग व्हेन द रूट्स डीकंपोज द नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स मिक्स विद द सॉइल एंड एनरिच इट विद नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एंड हेंस इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी लिविंग इन द सॉइल ऑल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एज नाइट्रेट्स। These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. Cleaning. कुछ बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गा हमारे सोइल के अंदर फिक्स रहते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के रूप में फिक्स रहते हैं ये माइक्रोवेव्स है कॉमनली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहलाते हैं। The environment. The microorganisms decompose dead organic wastes of plants and animals by converting them into harmless simpler substances. Which are restored to the soil and increase its fertility. Cleaning the environment, तो the microorganisms जो कुछ microorganisms ऐसे होते हैं कि जो dead organic और जो waste होते हैं plant और animals उनको decompose कर देते हैं इनको convert कर देते हैं harmless simple substances में ठीक है जिससे कि जो ये दोबारा से restore हो जाते हैं हमारी soil के अंदर और इससे हमारी soil की fertility जो capacity होती है वो बढ़ जाती है। In the absence of these microorganisms, the piles of dead organisms would have covered the earth. Some bacteria decompose sewage and other wastes of water. This is a natural method.